देखिए 21 जज हैं जिनमें चार पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट से और बाकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड लोग हैं ये सब लोग इन्होंने चिट्ठी लिखी है और गोलमोल चिट्ठी लिखी है इन जजों को ये भी बताना चाहिए इनके क्या कनेक्शन है आरएसएस से इनका कोई भी आरएसएस से क्या कनेक्शन है क्या मेल जोल है इन्होंने जो लेटर लिखा बेहूदा जैसे देश को गुलाम बनाने वाले जज जजों की मानसिकता जो होती है ना जो ऐसे जज होते हैं जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं जिनके संविधान और लोगों के लोकतांत्रिक जो मूल्य है फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है जिनका उनमें विश्वास नहीं वही की लग सकते हैं। कमिशन तरह की इलेक्शन कमीशन में कोर्ट की तरह काम कर रहा है भेदभाव पूर्ण उसका रवैया है इन्फॉर्मेशन आर में भी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दे रहा है इस तरह की बेहूदी चिट्ठियां इनको अपनी पेंशन बंद करवा देनी चाहिए ऐसे लोगों को पेंशन लेने का भी कोई अधिकार ना बचे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस तरह से ड्यूटी नहीं कर पा रही इस देश में जो इनकी जिम्मेदारी है इस हिसाब से यू और पी दोनों बेहुदा गलत ए मानवीय राक्षसी कानून है इस देश में और खास तौर पर प्रेशर बनाने की टैक्टिस है कि किसी भी तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को उठा के रखो डरा के रखो ताकि वो काम ना कर पाए और जिस तरह से उसने अनिल मसीह को पकड़ा है इस देश के इलेक्शन कमीशन को ना पकड़े और इलेक्शन कमीशन से जो हम धांधली कराना चाहते हैं वो करा लें और चुपचाप ठगी ठोरी से चार पार कराएं और फिर देश में एमरजेंसी लगा दे या धारा चवालीस पूरे देश में लगा दे और गुंडागर्दी के तहत अपनी सरकार बना के बैठ जाए जो करना चाहे कर लें नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आज सुबह एक बड़ी खबर आई जहां पर निकल कर ये आया कि 21 जजों ने पूर्व जजों ने सी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ पर्सनल प्रेरित जो लोग हैं अपने फायदों के लिए दबाव बना रहे हैं न्यायपालिका पर और जनता से भरोसा खत्म करने का काम कर रहे हैं तो इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में और बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक सर विस्तार से समझाइए क्या है चिट्ठी में और क्या कुछ बातें कही गई है देखिए इक्कीस जज हैं जिनमें चार पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट से और बाकी हाई कोर्ट से हाँ। रिटायर्ड लोग हैं ये सब लोग इन्होंने चिट्ठी लिखी है और गोलमोल चिट्ठी लिखी है जिसमें ये बताया है कुछ लोग पर्सनल बेनिफिट या पॉलिटिकल उसके लिए ए, कुछ भी उल बातें कर रहे हैं इसमें देश का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से उठ रहा है या कोर्टों से उठ रहा है एक तरह से इन्होंने उन लोगों की शिकायत करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश की है जो लोग देश के संविधान की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए अपहेल्ड करने के लिए काम करना चाहिए ये उन आवाज़ों को दबाने के लिए चिट्ठी लिखी है ये लिखी है लिखवाई गई है इससे ये मिलता और दूसरा इन जजों को ये भी बताना चाहिए इनके क्या कनेक्शन है आरएसएस से इनका कोई भी आर एस से क्या कनेक्शन है क्या मेल जोल है आर एस का कनेक्शन कहाँ से आता है इसमें? अरे भाई ये जज हैं कब जज बने कौन लोग हैं ये अपनी वकालत के दौरान किसके संपर्क में रहे हैं कौन से संगठन के से ये लोग आते हैं किस संगठन के संपर्क में रहे अब ये बात करते हैं लोगों की इन्होंने ये बात नहीं लिखी कि इस वक्त देश का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन है और इलेक्शन ईवीएम में धांधली के आरोप और शक पूरे देश को है उस पर फटाफट फैसला किया जाए उसकी बात इन्होंने नहीं की नहीं। नहीं। इन्होंने गोलमोल बात की है वो लोग जो लगातार लड़ रहे हैं और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं और संविधान को अपहेल्ड करने की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी हाई कोर्ट्स की ड्यूटी है इस देश के संविधान की रक्षा करना संविधान के अनुरूप वाली पॉलिसी या लोग को लागू करना या कठोर या घटिया कानूनों को देश के लोगों के फंडामेंटल राइट right के अनुरूप व्याख्या उनकी करना ये बातें कर रहे हैं वकील जिनकी ये बातें कर रहे हैं जिनकी एक तरह से शिकायत करी है इन्होंने इनमें वो वकील हैं और इसमें हो सकता है जैसे लोग जो आवाज़ उठ ये मेरे जैसे भी हैं हाँ। और बहुत सारे हैं जैसे हाँ। कपिल सिब्बल है प्रशांत भूषण है दुष्यंत दवे हैं जो देश के वकील हैं जो देश के लिए बोल रहे हैं जो संविधान की बात करते हैं संविधान की रक्षा की, की, की बात करते हैं संविधान के हिसाब से लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की बात करते हैं जो गंदे बेहुदा ट्रैकोनियन कानून यू और पी का विरोध करते हैं जिसकी वजह से इस देश के इनोसेंट लोग या लो, लोग एक्यूज लोग सालों सालों से जेल में पड़े हैं उनको जमानत नहीं मिल रही अगर इस पर नहीं बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे पूरे वकीलों को बोलने की ड्यूटी बनती है और पूरे देश के लोगों की आवाज़ है वो आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग तो और ये लोग चिट्ठी में गोलमोल चिट्ठी लिख रहे हैं ये लोग ये लोग अपनी आत्मा की आवाज़ से नहीं लिख रहे किसी के प्रेशर में किसी के कहने से चिट्ठी लिख रहे इनको बताना चाहिए ये लोग आर से संबंधित हैं या नहीं क्लियर करना चाहिए बीजेपी से संबंधित हैं या नहीं हुँ. इनका चिट्ठी लिखने का काम इस चिट्ठी में गोलमोल जो हिडन एजेंडे से लिखी है हुँ. ये बेहुदा चिट्ठी है इसमें दम नहीं ये लोगों की मूल भावनाओं के विपरीत चिट्ठी है हुँ. ये संविधान को लागू करने के लिए ई या इलेक्शन वाला जो मामला पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो देश हुँ. का मुद्दा है उसकी बात नहीं करते कि भाई इसको फटाफट सुनना चाहिए इसको फटाफट देश के सामने लाना चाहिए इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाना चाहिए दिन रात हियरिंग करनी चाहिए उसकी बातें कर रहे लोगों की बात कर रहे हैं जो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं जो वकील देश में लोगों के फंडामेंटल राइट right की बात कर रहे हैं उन्हीं की एक तरह से शिकायत करी है इन्होंने एक तरह से ये किसी के इशारे से हिडन एजेंडे से चिट्ठी लिखी गई है हम भरसना करते हैं चिट्ठी लिखने वालों की भी और इस चिट्ठी की भी वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गलत दबाव बना रहे हैं न्यायपालिका पर हम तो देश की बात कर रहे हैं और देश की बात करना ही अगर दबाव है हाँ फिर हम वो दबाव भी बना रहे हैं वो दबाव इस देश की जनता अगर चाहती है तो वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सी ने तो पहले कह दिया कि भाई लोगों का बोलने का राइट टू एक्सप्रेशन बड़ा अधिकार है और हमारे कंधे मजबूत हैं जो जज संविधान के अनुरूप काम करते हैं जो लोग जो जज देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करने की बात करते हैं अपनी जजमेंट के जरिए अपने काम के जरिए उनका तो इज्जत करता है देश और भी ज़्यादा सम्मान करता है इसलिए उनको घबराने की जरूरत ही नहीं उनके सही कहा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं ये किसके कंधे कमज़ोर हैं कौन है डरा हुआ डरा हुआ वो आदमी होगा जो अपने जज सिप की सही ड्यूटी नहीं कर रहा जिसकी जिस पे निगाहें हैं देश की जनता की जिस पे निगाहें हैं हम जैसे सब वकीलों की बहुत सारे वकीलों की देश की जनता की होनी भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास तब बनेगा जब वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के काम करेंगे संविधान को ध्यान में रख के काम करेंगे लोगों को ध्यान में रख के काम करेंगे लोगों के अधिकारों को ध्यान में रख के बात करेंगे तब इज्जत बढ़ेगी लोगों के चुप रहने से इज्जत नहीं बढ़ेगी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में चुप रहेगा ये देश अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत काम करेगी सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहेगी सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की रक्षा करने में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में अगर कामयाब नहीं होगी हम क्या सारे देश के वकील बोलेंगे और सारे देश के वकील संविधान के साथ हैं लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में कहाँ जाती है जज कहाँ बीच में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है वो संस्था देश के अनुरूप काम ना करे संविधान के अनुरूप काम नहीं करे तो देश सुप्रीम है देश की जनता सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है देश की पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है देश की सरकार से भी सुप्रीम है देश के राष्ट्रपति पद से भी सुप्रीम है देश की जनता है असली में इस देश की जर्नरल बॉडी और जनरल बॉडी अपनी हर संस्थाओं से बड़ी होती है जब संस्थाएं उस हिसाब से काम ना करें जो उनको जिम्मेदारी दी गई है तो देश के लोग बोलेंगे और हम सब उसी तरह के देश के लोग हैं देश के लोगों की भावना और कानून की बात करते हैं हम तो संविधान की बात कर रहे हैं ना तो अब आप लोगों का क्या एक्शन होने वाला है इसके खिलाफ में? हमारा एक्शन क्या होगा चीफ जस्टिस बहुत समझदार आदमी है बहुत ही लोगों का विश्वास है उनपे और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है खाली सुप्रीम कोर्ट दीवारों का नाम थोड़ा उसमें बैठे हुए जज लोग हैं जो काम करते हैं उनकी वजह से विश्वास घटता और बढ़ता है इज्जत घटती और बढ़ती है आदमी सही है तो इज्जत बढ़ती है आदमी बेकार हैं जज के रूप में सही काम नहीं कर रहे या ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं या सरकार जिन चीज़ों में उलझती हुई नज़र आती है उसको ऑन करते हैं उन पर फैसले नहीं सुनाते उन जजों को ही देश पहचानता है और पहचानने की जरूरत है और देश नज़र बनाए हुए है और क्यों ना बनाए ये संस्था देश की है ये संस्था संस्था के लिए देश नहीं है देश के लिए संस्थाएं हैं तो इसलिए इन्होंने जो लेटर लिखा बेहुदा जैसे देश को गुलाम बनाने वाले जज जजों की मानसिकता जो होती है ना जो ऐसे जज होते हैं जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं जिनकी संविधान और लोगों के लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार हैं जिनका उनमें विश्वास नहीं वही इस तरह की चिट्ठी लिख सकते हैं समझदार जज रिटायर्ड हो या वर्किंग हो ऐसी चिट्ठी भी नहीं लिख सकता उनको लिखना चाहिए था ई वी वाले मुद्दे पर फटाफट फैसला किया जाए उनको लिखना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन में जिस तरह अपॉइंटमेंट जल्दबाजी में हुई है गलत हुई है उन पर नजर रखें और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अंडर में इलेक्शन कमीशन काम करे क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर किसी का विश्वास नहीं है इलेक्शन कमीशन पपेट की तरह काम कर रहा है भेदभावपूर्ण उसका रवैया है इन्फॉर्मेशन आरटीआई में भी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दे रहा है इसलिए उस संस्था को कंट्रोल में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी हो वो उस पर नज़र रखे ताकि वो कोई बदमाशी वो ना करें कोई भी इम्प्लॉई कोई भी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी पर या कोई भी मिलिट्री हो पैरामिलिट्री जिनकी ड्यूटी होगी वो लोग कोई भी अनिल मसीह की तरह काम ना कर पाए ये चिट्ठी लिखनी चाहिए थी इनको इक्कीस जजों को अगर ये जज असली में जज हैं असली में भारतीय नागरिक हैं असली देशभक्त नागरिक है चिट्ठी तो ये लिखनी चाहिए थी ये चिट्ठी वैसे टांग अड़ाने वाली चिट्ठी लिख रहे हैं इस तो चिट्ठी से कोई असर नहीं होगा पहले विपक्ष कब बोलती बंद की गई क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे अब सोशल मीडिया पर हाल में ही लगातार जिस तरीके से चैनल बंद किए जा रहे हैं और अब आप सब के लिए ये चिट्ठी लिखे जाना क्या किस और नहीं इक्कीस जजों से रिक्वेस्ट है कि पहले तो ये पूछो सरकार से सोशल मीडिया क्यों बंद किया जा रहा है उसमें बोलो तब आपको मानेंगे हम आप रिटायर्ड जज हैं देश के पैसे से तनख्वाह और पेंशन आप लोग अपने बच्चों का पालन पाषण कर रहे हैं और आप किसी एक की गोदी में बैठ के गोदी जज बन रहे हो रिटायर्ड जज इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को सबको इसको इन लोगों को शक होता है ऐसे जजों पे भी जजों को बोलना होता है पार्लियामेंट उसके हक में कॉन्स्टिट्यूशन के जजों को बोलना होता है प्रियाम्बल के पक्ष में जजों को बोलना होता है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वैक्शन उठा रहे हैं ये उनके लिए चिट्ठी कर रहे हैं उनकी आवाज़ बंद करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं क्योंकि ये है, हमारी आवाज़ तो बंद सोशल मीडिया तो है नहीं हम कि सोशल मीडिया को किसी का चैनल बंद कर देंगे डिमोनीटाइज़ दे कर देंगे और उसमें इस तरह का बेहदा और गंदा कानून होगा कि किस दिन तक तो, तो ये भी नहीं बताया जाएगा आपका चैनल बंद क्यों किया ये इतना गंदा बेहदा कानून जो बनाया है या ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है वो जो काम कर रही है ये इंडिया की नहीं लगता ये इंडिया के कानून के तहत ऐसा हो सकता है ये लोग सारे के सारे धजियाँ उड़ा रहे हैं देश के संविधान की और देश के संवैधानिक मूल्यों की इस पर बोलना चाहिए इनको ये अभी भी मेरे को ऐसा लगता है अभी भी इनका शायद कुछ अपॉइंटमेंट बाकी है अभी भी है किसी लालच में है कि सरकार से कोई बेनिफिट मिल जाए इस तरह से चिट्ठियाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इन सारे रिटायर्ड जजों को पूरी तनख्वाह मिलती है कर्मचारी भी मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद भी क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इनको देश के लिए बोलना चाहिए और देश की आवाज़ में आवाज़ सुर में सुर मिलाना चाहिए न कि देश के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए न कि उन वकीलों की आवाज़ दबाने के लिए जो देश के लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं इस तरह की बेहदी चिट्ठियाँ देश के लोगों के हक में और देश के संविधान के हक़ में लिखनी चाहिए वैसी नहीं अदरवाइज तो अदरवाइज़ इनको अपनी पेंशन बंद करवा देनी चाहिए ऐसे लोगों को पेंशन लेने का भी कोई अधिकार ना बचे जो देश में के लोगों के खिलाफ बात करते हों ये लोग एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करवाने की चेष्टा में हैं और संवैधानिक मूल्यों को हनन कराने की चेष्टा में प्रेशर तो ये बनाना चाहते हैं कि हम जज हैं और हमारी बात मानो और चुपचाप इन लोगों की इन मत सुनो और चुपचाप सरकार के अनुरूप सरकार के खिलाफ कोई फैसला ये सर, आ, कोर्ट ना दे अगर सरकार के खिलाफ आज देश में क्या हाल हो रहा है ऊपर से इलेक्शन है पेंडिंग केस यहाँ पर है ई पे सबको शक है वोटिंग में घड़बड़ होने के पूरे चांस हैं और ये शक ही नहीं है ये विश्वास भी है लोगों का उस मामले में पेंडिंग है मुकदमा उस पर सुनवाई नहीं करे डे बाई डे उसको पेंडिंग रखे इतना इम्पोर्टेंट केस कैसे आप तारीख पे तारीख दे सकते हैं आपको तुरंत इलेक्शन से पहले फैसला करना होगा करना चाहिए तो इसलिए हमारे जैसे वकील और सारे देश के वकील इस बात पे अगर इसको कहेंगे ये प्रेशर बना रहे हाँ फिर ये प्रेशर ही सही क्यों नहीं वकील प्रेशर जरूर बनाएं बात के लिए जो काम जो ड्यूटी हाई कोर्ट की है सुप्रीम कोर्ट के हाँ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की है अगर वो ड्यूटी नहीं निभाएंगे इस देश के नागरिक इस देश के मालिक जनता उन जजों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सरकार के लिए भी पार्लियामेंट के लिए भी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी दबाव बना सकती है कुछ भी कह सकती है और कहना चाहिए संविधान की रक्षा के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सवाल अभी हालिया अपडेट ये आए हैं खबर कि मेरठ के प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी हैं अरुण गोविल उनका जो है हालिया बयान आया है कि संविधान में बदलाव जरूरी है संविधान बदल देना चाहिए जब बने थे तब अलग परिस्थिति थी अभी अलग परिस्थिति तो वो बता रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए अरे संविधान बदलने को किसी ने संविधान में संशोधन होते हैं संविधान में तो संशोधन के प्रोविजन है देश की मांग के अनुसार संविधान में कोई बदलाव करने पार्लियामेंट में खुल के डिबेट करो चर्चा करो देश के हित में कोई बदलाव हो तो बदलाव करो किसने मना किया है ये संविधान बदलने की बात नहीं करी ये संविधान को नष्ट करने की बात है हिडन एजेंडा है इनका और ना इनको संविधान का पता है जो गोविल है वो अरुण गोविल है जो कथा कहानी का राम का किरदार जिसे ने निभाया है वो उसके राम की स्टैचू भी लेके घूम रहा है उसको तो अब तक तो उस पर मुकदमे ठोक देने चाहिए थे जी। उसके बैन लगाना चाहिए थे ऐसे लोगों पर भावनाओं के जाति के आधार पर रिलीजन के आधार पर वोट मांगना या किसी सो कॉल्ड गोड के नाम पर वोट मांगना ये तो बकवास है उसने तो अपना सारा का सारा वही कर दिया किस लेवल का किस मेंटेलिटी का आदमी है तुम चरित्र किसी का अभिनय करने से आदमी वो थोड़ा हो जाता है अभिनय करते हो राम का और काम करते हो रावण से भी बुरे तो काहे का तुम राम और काहे का राम कहानी बकवास आखिरी सवाल ये है कि अगर इन सारी चीजों का सार बीजेपी नेताओं का बार बार ये कहना 400 पार संविधान बदल देंगे अभी आप लोग के लिए चिट्ठी लिखी गई है सोशल मीडिया बंद किए जा रहे हैं विपक्ष नेताओं को कैद किया जा रहा है ये सारी चीजों का सार क्या निकलता है ये सार ये निकलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस तरह से ड्यूटी नहीं कर पा रही इस देश में जो इनकी जिम्मेदारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी पूरी निभाए संविधान के अनुरूप काम करे देश में इस गुंडागर्दी नहीं हो सकती तानाशाही नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन इस तरह की बदमाशी नहीं कर सकता और जहां लोग चिल्ला रहे हैं ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि उसका फैसला लटका रहे और फैसला ना हो और डेट पे डेट लगती रहे नहीं हो सकता ऐसा और दूसरा अपोजिशन के लीडर जेल में बंद हो और बहाने बना बना के चार सीट सप्लीमेंट्री चार सीट और ये वो करके जो यू पीए और पीएमएलए जैसे ड्रैकोनियन बेहुदे कानून की अगर इतने दिनों के बाद भी व्याख्या नहीं कर पाए तो एक क्वेश्चन मार्क है इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू एक्सप्रेशन इतने बड़े राइट हैं कोई भी कानून उनके आधार परखा जाना चाहिए उनके आधार पर टेस्ट होना चाहिए वो देश के लिए सही है कि गलत है इस हिसाब से यू और पी दोनों बेहुदा गलत मानवीय राक्षसी कानून है इस देश में ये देश की जनता के ख़िलाफ़ हैं इनको जितना ये देश जल्दी समझेगा और जुम्मेवार है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इनको व्याख्या करनी चाहिए ये सारा का सारा जो लेटर लिखने का प्रेशर बनाने का काम इसलिए है कि एक्टिविज़्म ना दिखाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ख़ासतौर पर ये प्रेशर बनाने की टैक्टिस है कि किसी भी तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को उलझा के रखो डरा के रखो ताकि वो काम ना कर पाए और जिस तरह से उसने अनिल मसीह को पकड़ा है इस देश के इलेक्शन कमीशन को ना पकड़े और इलेक्शन कमीशन से जो हम धांधली कराना चाहते हैं वो करा लें और चुपचाप ठगी ठोरी से 400 पार कराएं और फिर देश में एमरजेंसी लगा दें या धारा चवालीस पूरे देश में लगा दें और गुंडागर्दी के तहत अपनी सरकार बना के बैठ जाए जो करना चाहे कर लें तो देश के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है इस वक्त कोई अपोजिशन नहीं हर नागरिक इस देश का अपोजिशन है तानाशाही के खिलाफ इस देश का हर नागरिक खुद कैंडिडेट है खुद की ज़िम्मेदारी समझिए खुद प्रचार प्रसार करिए खुद वोटों को वोटिंग सबकी वोटिंग हो उसको सुनिश्चित करें खुद ही पहरेदारी करें ई की या मशीनों की पहरेदारी भी करें जांच करें लाल बत्ती वाली कारों की अफसरों की जो भी पैरामिलिट्री वालों की उनकी गाड़ियों की जिस तरह ये अपोजिशन की गाड़ियों को चेक कर रहे हैं सरकारी गाड़ियों की चेकिंग करें देश के लोग ताकि उन्हीं के जरिए भ्रष्टाचार किया जाता है उन्हीं के जरिए सरकार में जो लोग बैठे होते हैं उन्हीं के जरिए पैसा बंटवाते उन्हीं गाड़ियों में सेफ ले जाने के लिए ताकि कोई पकड़ भी ना पाए या मीडिया भी उनको पकड़ नहीं पाए इसलिए और सरकारी कर्मचारी सबसे निवेदन है जो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं तुम इनके झांसी में मत आना कोई गलत काम मत करो देश के संविधान के साथ और देश के लोगों के साथ खड़े हो जाओ इनकी हर चाल और बेहूदगी और बदमाशी इस बार सफल नहीं होने देनी क्योंकि देश तानाशाही के ख़िलाफ़ है अरविंद केजरीवाल की के आज पेशी थी उन्हें भी राहत नहीं मिल पाई सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या कहेंगे मैं तो ये कहूँगा मुझे सही नहीं लगा ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा और किसी भी वकील को सही नहीं लगता अरे क्या है वो कोई जो भगोड़े इस देश के वो तो इन पर आज तक बुला के लाए नहीं जो भगोड़े यहाँ सूट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को उनके लाखों रुपए का सूट प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं और इनकी पार्टी के भी एमपी हैं जो राज्यसभा के वो लोग देश का पैसा लेके भाग गए उनको तो आज तक पकड़ नहीं पाए और वैसे वो कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया हम पाकिस्तान में फलाना वो कर दिया वो स्ट्राइक कर दी ये कर दिया ये सारी ड्रामेबाजी है और यहाँ के जो लोग हैं जो कहीं भाग नहीं सकते जो इनके खिलाफ़ बोलते हैं इनका उजागर करते हैं उन लोगों को ये उलझा के रख रहे हैं और सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर उनको आजाद करने में अपने कानून को इंटरप्रेट नहीं कर पाती ये बिग बड़ा क्वेश्चन मार्क है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी ये अच्छी भी भी बात नहीं है रिलीफ ना देना अपोजिशन के लीडर को अपोजिशन के लीडर को किसी भी सूरत में रिलीफ मिलना चाहिए पोलिटिकल जस्टिस के लिए जब चुनाव सर पे ये रिलीफ अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहिए ये रिलीफ किसी अपोजिशन के लीडर को नहीं चाहिए ये रिली ये रिलीफ किसी अल्पसंख्यक के आदमी को एक्टिव एक्टिविस्ट को नहीं चाहिए ये रिलीफ इस देश को चाहिए इस देश की जनता को चाहिए अपने पॉलिटिकल जस्टिस के लिए देश की जनता को पॉलिटिकल जस्टिस तभी मिलेगा जब सारे के सारे पॉलिटिकल लोग एक्टिविस्ट लोग जेल से रिहा होंगे जमानत पे मुकदमे अगर कोई हैं भ्रष्टाचार के उन्होंने किया है तो कोर्ट बैठी है ट्रायल होगा उनको सजा मिले क्या दिक्कत है उसका सामना करेंगे मगर जेल में रखना और रखे रहने की साजिश करना और उस साजिश में अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल पाएगा तो देश की निगाहें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी हैं और लोगों के मन में अब ये चल रहा पूरे देश में कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से खरा उतरना चाहिए अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सजग हैं प्रहरी हैं और सही काम कर रही हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कोई तानाशाह बन पाए देश में कोई भ्रष्टाचार कर पाए देश में कोई एक ही दो आदमी अमीर बन जाए देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है के लोगों को डरा के पार्टियों में शामिल किया जाए एम एल को खरीदा जाए ये पॉसिबल नहीं है अगर जुडिशरी सही हो तो कहीं ना कहीं कुछ पानी मरता है जब जुडिशरी में जब देश में ऐसे काम होते हैं जितना देश में भ्रष्टाचार जिसना देश में तानाशाही समझो उतनी देश की जुडिशरी कहीं कमज़ोर है तभी ये काम होते हैं अगर जुडिशियरी सही काम करें किसी की हिम्मत नहीं कोई तानाशाह बन जाए देश में कोई बदमाशी दिखा सके देश में कोई आदमी पार्लियामेंट में आँख मींच के सबको सस्पेंड कर दे देश में ऐसा नहीं हो सकता अगर सजग और प्रहरी है कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ, ये बिल्डिंगों में कमी नहीं है वो जो बैठे हुए आदमी हैं जिनको रक्षा करनी है पार्लियामेंट उसके संविधान की और संविधानिक मूल्यों की और लोगों के फंडामेंटल राइट की देश के लोग सुप्रीम हैं देश के लोगों के फंडामेंटल राइट सुप्रीम हैं बाकी सब चीज़ें गौण हैं अगर कोई कानून भी इन फंडामेंटल राइट को कम करता है हुँ. तो कानून के पक्ष में नहीं कानून को धराशायी करना चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशन ठहराना चाहिए तो ये आज पूरा टेस्ट है क्या देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पुराने एमरजेंसी के काल की तरह प्रेशर में है नहीं ये फैसला होगा इस इलेक्शन से पहले इस देश में जी बिल्कुल तो सर ने सारे मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे हैं खुलकर अपनी बातें कही चाहे वो जजों की चिट्ठी लिखना हो या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत ना मिलना और जिस तरीके से लगातार सिकंजा कसा जा रहा है इस लोकतंत्र में और जिस ओर भारत जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें